सुमन को धक्के मार कर निकाला देविका ने। सुमन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रद्द। कल इस टीवी शो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि आधे रास्ते में सुमन का खाना चोरी हो जाता है। कुछ ही मिनटों में सुमन ये पता लगा लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर किसी की सोची समझी साजिश है। सुमन रिवाइंड करती है और सोचती है कि हमारी गाड़ी के सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, वही मालिनी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है ताकि दोनों गाड़ी से खाना चोरी हो जाए। इसके बाद सुमन तीर्थ के घर पहुंचती है। यहाँ पर उसे देविका मिलती है। सुमन की आंखों में आंसू होते हैं, वो देविका को सच बताती है। अब यहाँ पर देविका सुमन की इंसल्ट करती है और उसे धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। साथ ही कहती है कि सुमन का कॉन्ट्रैक्ट अब रद्द कर दिया गया है। सुमन के सामने देविका किसी को फोन लगाती है और कहती है कि आधे घंटे में हमें खाना चाहिए। अब सुमन यहाँ पर सोचती है कि जिस खाना को बनाने में उसे 12 घंटे लग गए, कोई आधे घंटे में पूरा खाना कैसे बना सकता है। अब सुमन समझ गई कि इन सब में किसी और की नहीं बल्कि देविका की साजिश है। सुमन कहती है कि वो बहुत जल्द इस बार देविका को एक्सपोज कर देगी। देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सुमन देविका को एक्सपोज कर पाएगी। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।